सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। आइए नजर डालें आज की कुछ मुख्य खबरों पर। रायपुर खैरागढ़ है बाजार अत्रिया में चुनावी सभा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में मोदी की सरकार होने की वजह से आज देश सुरक्षित महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी सभा कर भारतीय जनता पार्टी के राजनांदगांव लोकसभा सीट के प्रत्याशी संतोष पांडेय के लिए वोट मांगा और केंद्र में मोदी को फिर से लाने के लिए जनता के बीच पूर्व सीएम डॉक्टर रमन ने हुंकार भरा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अपनी योजनाओं को मतदाताओं के बीच रखा। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया हुआ है। एक मध्यम परिवार के व्यक्ति, एक चाय बनाने वाले व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना तो कांग्रेस के लोग सोचने में मजबूर हो गए। पूर्व के 55 साल कांग्रेस सरकार और 5 साल के भाजपा सरकार में काफी फर्क देखने को मिल रहा है। देश की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना से गरीब परिवार की हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का प्रावधान है। हार्ट का ऑपरेशन जरूरत पड़ जाए, किडनी का ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए, आयुष्मान भारत में 5 लाख तक इलाज की सुविधा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। ये योजना मोदी जी ने बनाई। सड़कों का जाल बिछाने का काम, 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने का काम, ये काम तो होते रहेंगे, पर सबसे बड़ा काम जो इस देश के प्रधानमंत्री ने किया, भारत का मान सम्मान और गौरव को दुनिया में स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी ने। एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, एक गरीब घर का व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो कांग्रेस को लगता है कि उनका खानदानी धंधा है, नेहरू गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, उनको लगता है कि ये नरेंद्र मोदी ने तो कांग्रेस की जड़ उखाड़ दिया। 400 सीट जीतने वाला कांग्रेस 44 में आ गया। ये नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार। 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 282 सांसद और ऐसी सरकार जिसने देश को बता दिया कि प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री 10 साल मनमोहन सिंह को देखे होंगे। मनमोहन सिंह जोर से बोलने में भी संकोच करते थे। पाकिस्तान भारत में घुस जाता है आतंकवादी, भारत में घुस के बॉम्बे के अंदर आतंकवादी गोली चलाते हैं, 283 लोगों को बॉम्बे के गलियों में ताज होटल में मार डाला जाता है। मनमोहन सिंह चिट्ठी लिखते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति को, इस कट कार्रवाई का मैं निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री, चिट्ठी लिखने से काम नहीं चलता। मनमोहन सिंह चिट्ठी लिख के गुस्सा प्रकट करते हैं, महाराज जो प्रधानमंत्री बैठे हैं वो चिट्ठी पत्री नहीं लिखते। यदि पुलवामा में आकर पाकिस्तान के आतंकवादी गड़बड़ करते हैं, 90 किलोमीटर अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की ताकत रखने वाला प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की सीमा को लांघ कर 90 किलोमीटर के अंदर पाकिस्तान को दिखा दिया कि अब मनमोहन सिंह नहीं है, अब इस देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। भारत की ओर आंख उठाकर देखोगे, आंख निकाल लिया जाएगा, ये ताकत नरेंद्र मोदी के अंदर। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसा मुखिया चाहिए। पाकिस्तान में भारत का एक पायलट अभिनंदन जाके पाकिस्तान की सीमा में गिर जाता है अपने मिग के साथ, उसका मिग एक F-16 को मारते मारते पाकिस्तान सीमा में चला जाता है। हमारा पायलट अभिनंदन पाकिस्तान की सेना गिरफ्तार कर लेती है। पहले होता तो कई साल तक केस चलाते रहते, प्रताड़ित करते, उसका जीना हराम कर देते, मगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 3 दिन के अंदर पाकिस्तान का राष्ट्रपति अभिनंदन को लेकर वाघा बॉर्डर में आता है और बोलता है ये रख लो आपका पायलट है। लोग बोले इतना जल्दी में कैसे आपने अभिनंदन को छोड़ दिया। राष्ट्रपति पाकिस्तान का बोलता है अभिनंदन को भी छोड़ा नहीं होता तो मोदी सेना भेज देता पाकिस्तान में और छुड़ा के ले आता, इतना दहशत है।
ये होना चाहिए किसी देश के लिए। भारत को मजाक समझने वाला ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये लंका, आज हिंदुस्तान दुनिया के चार शक्तिशाली राष्ट्रों में एक है। हिंदुस्तान आज दुनिया के अंदर चुनौती बन के खड़ा है। भारत सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता। अरे भारत की ताकत तो इतनी बढ़ गई है कि अब जमीन से 300 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर ऊपर एंटी सैटेलाइट मिसाइल से सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। ये माननीय मोदी जी ने करके दिखाया। ये होता है प्रधानमंत्री, जिसने इस देश को गौरवान्वित किया पूरे दुनिया के अंदर, जिसने हमारा मान सम्मान बढ़ाया और ऐसी योजनाओं को जन्म दिया, जिन योजनाओं से किसानों के समृद्धि योजना, मजदूरों के लिए योजना, हर वर्ग को सामने रखकर कार्य योजना। आज यदि सड़कों का जाल बिछा है, मैं आज अतरिया सड़क मार्ग से आया। सड़क मार्ग आने से दो फायदा है, एक तो गांव-गांव में रोक के चाय पिलाते हैं, गांव-गांव में रोक के नाश्ता कराते हैं, खाना खवाते हैं। लालचंद वापना जी आधा घंटा रोक के नाश्ता चाय पानी कराए, गली गली में स्वागत कराए। दूसरा होता है सड़क की क्या स्थिति है। इस सड़क को मैं सैंक्शन किया था तो मेरी इच्छा थी कि एक बार इस सड़क से आऊंगा, आज वो इच्छा मेरी पूरी हो गई कि सड़क से चल के आया। संतोष होता है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल, 15 साल में जो डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में हुआ, क्या हालत था छत्तीसगढ़ का। 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, 4000 मेगावाट से 22000 मेगावाट पावर ऑफ जनरेशन छत्तीसगढ़ में होने लगा 2018 आते आते। 70000 पंप कनेक्शन थे। सुई खदान वाला ज्यादा जाना तो बोल नहीं, खैरागढ़ वाले ज्यादा जाना तो पंप की क्या कीमत है। 70-75 हजार पंप से बढ़ के 5 लाख पंप कनेक्शन छत्तीसगढ़ में हो गए 2018 आते। गांव गांव में पंप के कनेक्शन, गांव गांव में 100 दिन हुए नहीं है। वसूली शुरू, रेत की कीमत बढ़ गई, सीमेंट की कीमत बढ़ गई, हर चीज की कीमत। काबर कर्जा माफी करे तो बाबू तुम्हारे से वसूलू की थी, काखे में जाऊं तो तुम्हारे जेब से पैसा निकाल के ऊपर की जेब निकाल के नीचे में डाल दे। ये योजना बना के जनता ने षड्यंत्र पूर्वक ये भूपेश बघेल के काम 100 दिन में, 120 दिन में गांव गांव में, घर गली गली में आदमी अब प्रश्न करने लगा है, करे थे कि का ये सरकार है, 100 दिन में का हालत हो गए। नक्सलवाद तुमन तो बहुत नजदीक से जानते हो, खैरागढ़ वाले, छुई खदान वाले, मोहला मानपुर चौकी वाले। हमारे एक विधायक दंतेवाड़ा के हमारे साथी मेला से घूम के आते, चुनाव प्रचार के आते, इस गोली से फोन दिए नक्सली भर। काबर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते काम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद समाप्त करने में लगे है, कांग्रेस विधायक की रक्षा नहीं करते। एक विधायक की रक्षा नहीं कर पाई से सरकार 100 दिन। बिलासपुर में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ला थाना के अंदर बैठा के पिता पुत्र ला ब्राह्मण हमारे तिवारी परिवार के इतना मारेंगे, जितना मारेंगे क्यों कर वहीं पे मौत हो गए। ये प्रकार के काम कांग्रेस करते। ये थोड़ा बहुत आंधी तूफान आई, चिंता करे जरूरत नहीं है। मोदी जी के नाम होते तो तूफान जरूर आते, मोदी है ही तूफानी। मोदी के नाम से पूरा देश में तूफान है, लहर है, और वो लहर के साथ ये भूपेश बघेल के विकास काम के बारे में जब पूछे पर जाते आदमी, बाजार दरिया वाले, खैरगढ़ वाले, गंडई वाले, लोहारा वाले, सिधाटी वाले भूपेश में जाते, भैया ये सड़क बना दे, पुलिया बना दे, स्कूल बना दे, कॉलेज खोल दे। भूपेश की थे ये काम डॉक्टर रमन करत रही से, मोर काम नहीं है। मोर काम तो सिर्फ का है, करवा गुरुआ नरवा बारी। एक हरे काम में बता दे बोला गरुआ गरुआ घुरुआ बारी। मैं क्या भूपेश ला विधानसभा में पूछे हो, बार बार ते घुरुआ गरुआ नरवा बारी की थल, पैसा कहाँ रखे संगवारी एक हर बार, एक पैसा बजट में। अब ये नया रोजगार देना है नवयुवक मंडला, तो क्या करना है रोजगार,
हाईटेक फुरवा बनवाएंगे नौकरों के साथ, हाईटेक फुरवा बना। महिला वन के लिए बोला थे कि गाय के गोबर होते, गोबर ला छेना कैसे करना है वो कर लिए हाईटेक टेक्निक महिला मन सिखाऊ तो रोजगार मिल जाएगी, गोबर के छेना बनाएंगे। ये कांग्रेस की हालत, न सोच है न विचार है, न आगे की कोई दृष्टि है, न डेवलपमेंट की कोई योजना है। और यही वजह से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में ये बार के लोकसभा चुनाव एक नया चुनौती के साथ आए हैं और हमला ये लक्ष्य बना के चलना है कि आने वाला लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम जो समर्थन मिला थे, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, उड़ीसा में जहां भारतीय जनता पार्टी थी वहां भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश में एक वातावरण के निर्माण हो चुके हैं। और आप सबसे मैं आग्रह करे बनाए हूं कि विधानसभा में जरूर कमी रहेगी, कांग्रेस के झांसा में आके कांग्रेस का ज्यादा से ज्यादा वोट आप दे दो, मगर ये समय फिर से आगे 120 दिन के अंदर कांग्रेस ला यदि सबक सिखाना है, कांग्रेस से यदि बदला लेना है, वादा खिलाफी के खिलाफ जनता ला